सब्सक्राइब कीजिए लखेपुर टीवी चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए नई अपडेट पाने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज बताने वाला हूँ पाशुपत रस के बारे में। यह एक शास्त्रीय आयुर्वेदिक औषधि है जो बहुत कम प्रचलित है। इस योग से आप अनभिज्ञ न रहें, इसके लिए आज मैं पाशुपत रस के गुण, उपयोग और निर्माण विधि के बारे में बताऊँगा। तो आइए जानते हैं इसके बारे में सब कुछ विस्तार से। पाशुपत रस के घटक और निर्माण विधि। शुद्ध पारा एक भाग, शुद्ध गंधक दो भाग, तीक्ष्ण लौ भस्म तीन भाग और शुद्ध बच्छनाग छह भाग लेकर सबसे पहले पत्थर के खरल में पारा गंधक को खरल कर कज्जली बना लें। इसके बाद शुद्ध बच्छनाग का बारीक चूर्ण और तीक्ष्ण लौ भस्म को डालकर चित्रक मूल क्वाथ में एक दिन तक घोटना है, पूरे एक दिन। इसके बाद धतूरे के बीजों की भस्म 32 भाग, सौंठ, मिर्च, पीपल और लौंग और इलायची प्रत्येक तीन तीन भाग, जायफल और जावित्री प्रत्येक आधा भाग, पंच नमक 2.5 भाग, थुहर, आक, एरंडमूल, अपामार्ग, पीपल छार, हर्रे, जावाखार, सज्जी छार, शुद्ध हीरा हींग, जीरा और शुद्ध सुहागा प्रत्येक एक एक भाग लेकर बारीक चूर्ण बनाकर पहले वाली दवा में मिलाकर एक दिन तक नींबू के रस में घोट कर एक एक रत्ती की गोलियां बनाकर सुखा कर रख लें। बस पाशुपत रस तैयार है। अब जान लेते हैं पाशुपत रस की मात्रा और सेवन विधि। एक एक गोली सुबह शाम भोजन के बाद ताल मूली के रस और पानी से। पाशुपत रस के गुण या प्रॉपर्टीज। आयुर्वेदानुसार यह शोधक, दीपक, पाचक, संग्राहक, आम पाचक, वातनाशक, पित्तशामक और कफनाशक भी है। हृदय को शक्ति देने वाली और तेजी से असर करने वाली औषधि है। इसके सेवन से विसूचिका शीघ्र नष्ट होती है। पारे और गंधक के रसायन और पाचक गुणों के अतिरिक्त इसमें लौह जो है रक्तवर्धक, जायफल और धतूरा बीज रोधक गुणों से पूर्ण है। क्षार, लवण और थुहर भेदक गुणों का होता है। इस प्रकार से यह औषधि रोधक और भेदक होने से आंतों की क्रियाशीलता को दूर करने में सफल है। यह आंत, लीवर और स्प्लीन को एक्टिव करती है और शक्ति देती है। अग्नि को तेज कर पाचन ठीक करती है और प्रकोपित वायु को भी नष्ट करती है। पाशुपत रस के रोगानुसार अनुपान। अलग अलग अनुपान से इसके सेवन से अनेकों रोगों में लाभ होता है। जैसे ताल मूली के रस के साथ सेवन करने से उदर रोगों या पेट की बीमारियों को यह नष्ट करती है। इसी तरह से मोचरस के साथ सेवन करने से अतिसार या दस्त की बीमारी दूर होती है। संग्रहणी में इसे छाछ के साथ सेंधा नमक मिलाकर लेना चाहिए। दर्द वाले रोगों या वात रोगों में इसे पीपल, सौंठ और सावर्च लवण के साथ लेना चाहिए। पीपल के चूर्ण के साथ लेने से टीबी की बीमारी में लाभ होता है। बवासीर में इसे छाछ के साथ लेना चाहिए। पित्त रोगों में बूरा और धनिये के साथ इसे लिया जाता है। इसी तरह से पीपल और शहद के साथ लेने से कफ रोगों को दूर करती है। ध्यान रहे यह तेजी से असर करने वाली रसायन औषधि है, तो इसे आप स्थानीय वैद्य की देखरेख में ही सेवन करें। वैसे यह बनी बनाई मार्केट में शायद ही मिलेगी, आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे बताया गया है। आज की दी गई जानकारी का टेक्स्ट पढ़ने के लिए आप हमारी साइट पे आ सकते हैं lakhepur.com पे, जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। तो यह थी आज की जानकारी पाशुपत रस की। क्या आपने आज से पहले पाशुपत रस का नाम या इसके बारे में या फिर इसके फायदे में कहीं सुना था? कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो से आपकी कुछ जानकारी बढ़ी हो तो लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। इसी तरह की दूसरी नई नई उपयोगी जानकारियों की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन या घंटी बटन को ज़रूर दबाएँ। स्वस्थ रहें, सुखी रहें। जय हिंद, जय आयुर्वेद।